का इतना हक नहीं है कि वो अपने बच्चों की जिंदगी का फैसला अपनी मर्जी से कर सके? मोहब्बत को जंग करके नहीं, मोहब्बत करके ही हासिल किया जा सकता है। और वो जो हमारे खाला के बेटों की बीवियां हैं ना, पांव धोती हैं हमारे। देखो अभी थोड़ा रास्ता है, तुम अगर सोना चाहो तो सो जाओ। जी तो यही चाह रहे हैं। तो फिर सो जाओ ना बाबा, जैसे ही गेस्ट हाउस आएगा मैं तुम्हें जगा दूंगा। नहीं पहले आप अपनी हॉबीज बताएं। अच्छा चले ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं बोटिंग करता हूँ, राइडिंग करता हूँ, गाना भी गाता हूँ। हाँ जी अच्छा, डांस भी करता हूँ। इसके अलावा मुझे शेर व शायरी का भी बहुत शौक है। तो अपना अच्छा एक बात और आपसे पूछनी यार, मना करो। अच्छा हाँ नहीं मैं तंग कर रहे। अच्छा ये किससे तो बात हो रही है? ये कौन बीच में बोल रहा है? अच्छा मैं पूछ रहा हूँ ये किससे बात हो रही है? एक मिनट सर जी, इस तरह है कि 6 बजे कल अगर वक्त हो जाए तो फिर जी इंतजार करेंगे जी। खुदा हाफिज़। हाथ होती है किसी बात की? आधे घंटे से टेलीफोन बिजी है, किससे बात कर रहे थे? रॉन्ग नंबर, खराब नंबर। रॉन्ग वही। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रॉन्ग नंबर। हाँ जी, अगर ये राइट नंबर होता फिर तो सारा दिन यहाँ का गेस्ट हाउस के टेलीफोन बिजी रहता। शमीम साहब जी, मैं बिल्कुल जी, मेरा नाम प्रोफेसर गौरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, हुकुम फरमाइए। हम लोग आपके गेस्ट हाउस में एक मैरिज सेमिनार करना चाहते हैं। हाँ जी जरूर कीजिए, बिल्कुल कीजिए। कब करना चाहते हैं? अगले हफ्ते। हाँ बिल्कुल हाजिर है हमारा गेस्ट हाउस। जरा वो पोस्टर दें। ले लीजिए सर। शमीम साहब जी, क्या ये पोस्टर काउंटर के आसपास लगाया जा सकेगा? हाँ हाँ जी बिल्कुल, जरूर क्यों नहीं, हम यहाँ स्टैंड पे ये पोस्टर खड़ा कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, तो फिर ये लीजिए, मैं आपको 10,000 रूपये एडवांस दिए देता हूँ, बाकी कमी पेशी बाद में कर ली जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन सर ये शोभा तो बेगम साहिबा का है। अरे कोई इन बेगम साहिबा का जरूरी तो नहीं है ना, किसी का भी हो सकता। अच्छा। हमारे मुल्क में तो ये शोभा अक्सर ख्वातीन के हाथ में होता है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा सर वैसे ये सेमिनार जो है ये शादी के किस किस खास पहलू पर होगा? ये माँ बाप के जरिए की गई शादी और अपनी पसंद की गई शादी के मौजू पर होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो सर ये बहुत ही दिलचस्प होगा। उम्मीद तो है। अच्छा अच्छा, मैं इजाजत चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ सर। खुदा हाफिज़। भवन साहब, ये जो सेमिनार हो रहा है ये अनार का जूस होता है? नहीं है, नहीं, ये सेम थोर के इलाके में पैदा होने वाला नारियल होता है ना भवन जी? नहीं तुम दोनों ने जरूर अपनी टांग अड़ानी है सेमिनार में। हैं सर जी, वो हमारे गेस्ट हाउस में हो रहा है तो फिर कैसे नहीं हम टांग अड़ा सकते जी? और ये सेमिनार किसी खास मौजू पर बड़े बड़े माहरीन का इजहार ख्याल होता है। बड़े बड़े मजामीन पढ़े जाते हैं, तकरीरें होती हैं, और तुम्हें आगे क्या बताना है यार, जब यहां होगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। क्या बात है, आज तुम रूम सर्विस को जल्दी जल्दी नहीं कर रहे? खैर मैं तो जी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको आज हर कोई सुस्त लग रहा है। अब मुझे ही नहीं कमरे वालों को भी ये शिकायत है। वैसे ये तुम्हारा काम कोई इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम जितलाते रहते हो। अच्छा जी, मुश्किल नहीं है इसलिए कि आप काउंटर पे खड़े रहते हैं ना, ऐसे एक्शन शेक्शन करते रहते हैं, इसलिए आपको मुश्किल नहीं लगता। आप मेरे वाला काम करें ना तो आपको लग पता जाए आधे घंटे में, और मैं आपकी जगह खड़ा हो जाऊं फिर देखो। मेरे वाला काम अगर तुम्हें करना पड़ जाए ना तो आधे घंटे में क्या, आधे मिनट में तुम्हें नानी याद आ जाएगी। मैं ना बंदा क्यों भवानी सर, इसकी नानी जो थी वो इसकी पिताज से पहले ही फोत हो गई थी, फिर इसे कैसे याद आ सकती है? अच्छा ठीक है ठहरे जी, बाबू शमीम साहब आ जाते हैं, अब भी फैसला हो जाता है, हम आपस में काम तब्दील करके देख लेते हैं। चलो ठीक है। इस तरह कौन से काम की बात हो रही है? सर जी इनमें झगड़ा हो रहा है जी एक दूसरे के काम का। ये एक दूसरे का काम कैसे कर सकते हैं? इसको तो पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता, और खासतौर पे अंग्रेजी तो आती नहीं। सर जी अंग्रेजी मुझे जो आती है जी, ए बी सी जी, बाकी इसे आती है जी। नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन
बीच में से थोड़ी सी बोलती है एक्स वाई जेड का मुझे पता है जी। पूरी होगी तो उर्दू तो बड़ी सोनी बोलता हूँ जी मैं। छुट्टी पे जाना होता है सर। अच्छा है ये काउंटर का काम समझते हैं सर, एक चांस दे दें सर। यार तुम क्या बेवकूफों अहमको जैसी बातें कर रहे हो। सर मैं कोई चला तो नहीं जाऊंगा, मैं यही हूँ सर, अगर ये कोई गलती करेगा तो मैं इसे समझा दूंगा। प्लीज सर नवीद ये कैसे मुमकिन हो सकता है। सर जी आप जाए तो क्यों नहीं मुमकिन हो सकता जी, सब कुछ हो सकता है। वैसे सर मैंने कई बार आगे भी ये काम किया है जी। हाँ। सर बस एक ही दिन की बात है जी। हाँ जी सर जी एक सर। चलो तुम लोग इंसिस्ट करते हो तो ठीक है, मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन ये चलो ठीक है तुम दोनों कपड़े तब्दील कर लो। उम्मीद अब लग पता जाएगा। आओ ना अब तो तू खुश है ना। हाँ जी सर जी बड़ा खुश हूँ जी। अब क्या सर जी वो ना जी, आप मुझे अपना एक अच्छा सा सूट दें जी। चलो सूट किस लिए तुम भाई। सर जी वो मैं भी पहनूंगा ना जी, एक दिन के लिए गेस्ट हाउस का मालिक बन के देखूंगा जी। अच्छा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा, पागल हो गए। सर वो मैंने एक दिन का बादशाह ड्रामा देखा था, उसमें जो मास्की होता है ना जी वो बादशाह की जान बचा के एक दिन के लिए बादशाह बन सकता है, तो सर जी फिर मैं क्यों नहीं जी गेस्ट हाउस का मालिक। ठीक है ठीक है ठीक है, मास्की ने जान बचाई थी। हाँ जी ओ मास्की नहीं वो सक्का था, उस सक्के ने हुमायूं की जान बचाई तो एक दिन का बादशाह बन गया था, और उसने उसकी जान बचाई थी, तूने मेरी जान अजाम में डाली हुई है। नहीं सर जी मैंने आपकी और गेस्ट हाउस की इतनी खिदमत किया मेरा इतना। अच्छा 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 यार अच्छा ठीक है, तू भी एक दिन का सुल्तान बन के देख ले, तू भी क्या याद करेगा। सर आप मुझे ना अपना एक सूट दे दें टाइस में फोर पीस। फोर पीस हाँ जी। उठिए जनाब आपका गेस्ट हाउस आ गया। आ नहीं गया बाबा, हम पहुंच गए हैं। मैं समझा जनाब सो रहे थे। तुम ठीक समझे थे। वेट अ मिनट वेट अ मिनट वेट अ मिनट। देखो मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि जब गाड़ी में मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं तुम्हारा शौहर नहीं बल्कि शोफर होता हूँ। क्या शोफर। और बेगमात कभी अपनी गाड़ी का दरवाजा खुद नहीं खुला करती जी। थैंक यू और नो थैंक्स। देखो बेगमात अपने शौहर का शुक्रिया अदा नहीं किया करती और शौहर का शुक्रिया अदा करना कभी भूला नहीं करती। मैडम यू आर वेलकम गेस्ट हाउस। अच्छा बाबा ठीक है, अब सामान गाड़ी से निकालो और मुझे ये बताओ कि शौहर की हदें कहाँ पर खत्म होती है और शौहर की हदें कहाँ से शुरू होती है। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। देखो जब तुम्हारा दिल मेरी आवाज सुनकर धड़कना शुरू कर दे तो समझो कि शौहर की हदें खत्म और शौहर की हदें शुरू। वंडरफुल, आई लाइक इट। थैंक्स। आइए। हेलो जी, वेलकम गेस्ट हाउस जी। जी मैनेजर बोल रहा हूँ जी। जी आपकी बुकिंग एक मिनट जी। हाँ हाँ जी है जी जी। यार बहु नवीद मैं सलाम कर सकता हूँ टू वेरी फ्रैंक बी होकर। यार बहु नवीद तू कुछ कमजोर हो गया यार, क्या प्रॉब्लम है मुमकिन ये वो अमरा अस्सलाम वालेकुम शमीम साहेब। मायना शमीम शमीम। यार क्या बात है यार, क्या तब्दीली हो गई है यहाँ, कोई मुझे पहचान नहीं रहा यार। यार मुझे देखिए जरा, मैं शायद अकासी हूँ ना जी। आप बिल्कुल शायद अकासी हैं, यहाँ कोई फिल्म की पार्टी नहीं ठहरी हुई, यहाँ सेमिनार हो रहा है, आप यहाँ से चलें। आप यहाँ के हालात बदल गए। हाँ जी बिल्कुल आप चले जाएं, यहाँ तमाम इंतजामिया तब्दील हो गई है। चले आप मैनेजर चले लो जी 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 चले 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 चले। वेरी गुड यार मुरादे, तू कस्टमर को सही ढोल करते बोला ही नहीं जाता। अच्छा वालेकुम असलाम जी, फरमाइए। कमरा चाहिए।
दो के लिए? हाँ जी दो के लिए। शिनाख्ती कार्ड है आपके पास? बात सुनो, तुम सख्त शोहर हो या शोफर? मेरा मतलब है शिनाख्ती कार्ड तो आप ही के पास है। जी हाँ ये लीजिए। हाँ कितने पैसे होंगे? अब चेक करें जी, 700 रुपए और 30 रुपए टिप होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अपना कमरे में अगर आप रूम सर्विस मांगेंगे तो टिप उसके अलावा होगी। अच्छा ठीक है जी। वैसे हम मना करते हैं स्टाफ को टिप ना लिया करो, लेकिन बड़ा फजूल है। यस सर। जी सर। आप ऐसा करें, ये ले चाबी और इनको 8 नंबर कमरे में ले जाएं। चलें। क्या मतलब? हाँ अच्छा मैं समझ गया हूँ। टिप टिप कर तो मैं कमरे में आता। सर रेमो सामान उठाओ। शाबाश पक्का रहना है। पुल ते बुला के चीमा माही किथे रह गया। आइए 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 सर आइए। सर आपका रूम नंबर? रूम नंबर 6 है भाई। हाँ यही है, नीचे चाबी मुझे। आइए आइए सर, कितना अच्छा कमरा है सर आपका। आइए जी, ये कमरा है आपका सर। ओए कौन है मियां आप? आप यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हैं जी? ना आप हमारे कमरे में कैसे आ गए? नहीं गलत नहीं, वो देने तो जरा मेरी बंदूक नहीं मैं पर नहीं। चल ना चल जाए, माफी चाहते हमारे घर को। आइए सर जी, लगता है मुराद ने डबल बुकिंग कर दी। आई एम वेरी सॉरी सर, वो हमारा काउंटरमैन जो है ना नया है सर। सर आपका नाम? जी मजर। और आप मिसेस प्रवीण है जी? जी। आपकी बुकिंग तो हो चुकी है। क्या किसने करवाई है बुकिंग? कोई मिसेस समीना और उनके मियां शाह फसीउद्दीन है जी। हाँ समीना पहुंच गई क्या? जी हाँ जी। वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस सर। मेरा ख्याल है आपका कमरा नंबर जो है ना वो 8 है। आइए आइए सर आइए। कैसे आप जी? मुराबत सुनाइएगा, मेरी बेगम जरा गुस्से वाली है। कोई बात नहीं, हमारी बीवी भी बहुत गुस्से वाली है। तो बहन के लिए हीरे की अंगूठी और मेरे लिए 100 रुपए के ये चीज़। मैं बेगम से डरता तो नहीं, दरअसल मेरी बेगम मुझसे 2 साल बड़ी है, तो आपको तो पता है बहू का अदब करना चाहिए। थैंक यू। आपके कपड़े जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वो बेटर वो गर्म पानी भेज देना टकोर अखराने के लिए। थैंक यू थैंक यू। यार राधे, गेस्ट हाउस का मालक बन गया ना, मेरे दिल में एकदम ख्याल आया कि मैं अपना क्वार्टर जो है ना एयर कंडीशन करा लूं। ओए शमीम साहब का सूट पहन के औकात से बाहर हो गए। वैसे यार एक बात है, देखिए जब से मैंने बहू नवीद के कपड़े पहने ना, मुझे इस बात का एहसास हुआ है यार कि मुझे स्कूल में दाखला ले ही लेना चाहिए। क्यों? मतलब इसलिए कि 2-4 क्लासें पढ़ी हुई हो ना तो फिर ठीक होता है, फिर जरा आदमी डील कर लेता है। वैसे यार बात है, बंदे के पास पैसा आ जाए ना फिर वो थोड़ा सा पढ़ लिख भी जाए तो वो फिर किसी को कुछ समझता ही नहीं। वैसे यार हम जो थे वही ठीक है। वैसे एक बात बताऊंगा तुझे, तू कभी तरक्की नहीं कर सकता यार। देख ये शमीम साहब का ये सूट पहन के ना मेरी आंखों पे चर्बी चढ़ गई। अच्छा मुझे कोई बंदा बंदा ही नहीं नजर आता, तू मुझे इतना छोटा सा कीड़ा नजर आता है। बंदा बड़ा है तू, कॉकरोच से भी छोटा। मैं क्या करूं, इसमें कोट का कसूर है, ये देखो सूट पहन के ये ऐसा हो जाता है। यार मैं बाते मेरा ख्याल है यार मैं पहले वाला ही ठीक हूँ, मैं तंग आगे उतारता हूँ ये सारे कपड़े। नहीं मुझे तुझ पे यकीन आ गया, तू मेरा जिगर है मेरा यार है। नहीं यार आ, नहीं नहीं उतार नहीं, अभी जरा थोड़ी सी टिप टिप कर तो मैं कमरे में आता हूँ। ओए बहुवीर चोट तो नहीं लगी? नहीं यार चोट तो नहीं लगी, अलबत्त ये पता लग गया कि तुम्हारा काम तुम्हारा ही काम है। वैसे बानवी मुझे ये लग रहा तो मैं ही गिरा हुआ। वैसे बानवी साहब हमें भी काउंटर पे खड़े हो गए ना आपकी कदर हो गई है। वो बटे बटेरे क्या कहते हैं कि जिसका काम उसी को सांचे। सर साजे
सर नहीं बानवी साहब रैम्बो, ये मैं शमीम साहब के कपड़े उनको दे देता हूँ। आई एम नॉट शमीम मालक गेस्ट हाउस माई नाम इज रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो। फसी कैसा लग रहा है पहली दफा अपने वालदैन और बहनों से अलग होकर दिन गुजारना? तुम्हें कैसा लग रहा? जाहिर है मेरे तो ससुराल है, मेरी फीलिंग्स अलग हैं और तुम्हारी अलग। हम कौन सा हमेशा के लिए अलग हुए हैं, थोड़े दिन की तो छुट्टी है। फिर भी अलग तो हम पहली दफा ही हुए हैं ना। देखो माँ तो बहुत अच्छी है, ये तो तुम्हें भी पता है। वालिद साहब तो वो बहनों के हाथ में। और बहनें? हाँ अलबत्ता बहनों से दूर आकर मुझे यूं लग रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार टाई उतार कर कमीज का बटन खोलाओ। हाँ लगता तो मुझे भी कुछ यूं ही है कि जैसे पहली दफा मैंने अपनी मर्जी से सांस ली हो, वरना पहले तो यूं था कि जैसे जिंदगी तो मेरी अपनी है और उसको बसर तुम्हारी बहने कर रही। वाह ये मुनीर मियाजी के शेर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसे अपनी नन्नों की नजर करना यह ज्यादती है। देखो सहेली तुम्हारी है, मिलना तुम्हें है और तैयार होकर मैं बैठा हूं यहां कब से। अब निकल भी चुको ना बाथरूम से। आई बस दो मिनट में। दो मिनट और नौ मिनट, बस अब आ जाओ। लो बाबा आ गई मैं। देखो तुम मुझे नजर नहीं आती हो ना, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी नजर कमजोर हो गई। अच्छा और कोई दूसरी लड़की नजर आ जाए ना तो अंधेरे में भी दिखाई देने लगता है। हाँ ये तो है। क्या? लेट अस चेंज द टॉपिक प्लीज भाई। वो क्या नाम है तुम्हारे वो उनके शौहर का? हाँ शाह फसीउद्दीन साहब। चलो चलो एक मिनट। क्या? वाह क्या हुआ, क्या आफत कपड़े पहने अरे है? और वो जो जोड़ा मुझे बहुत पसंद था वो क्यों नहीं पहना? फिर पहन लूंगी, अभी 15 दिन है। तो उसको बाजू पे रख लो ना भाई, देखने वाला ये तो गया ना, तुम्हारे पास बहुत से कपड़े हैं। अच्छा बाबा ये देखो प्लीज। मीनू चलो नीचे लॉबी में चलते हैं। वो क्यों? तुम्हारी सहेली परवीन आने वाली है ना, हो सकता है उनसे नीचे मुलाकात हो जाए। कम इन। समीना समीना बहुत उम्र है तुम्हारी। कैसी हो जनाब फसीउद्दीन साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मदर साहब बहुत इंतजार कर रहे हैं आपने। सियान लेडीज के काम ही ऐसे। अस्सलामुअलैकुम रसी भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। सलाम भाभी कैसी हैं आप? ठीक। शादी की सालगिरह के लिए तैयारी तो पूरी है ना? हाँ हाँ जाहिर है, आपकी और हमारी शादी एक ही दिन हुई थी ना, तो आप तैयार हैं और तो हम भी तैयार हैं। भाई इनके लिए रूम सर्विस बुलाओ, कुछ चाय पानी वगैरह। अभी ठहर कर हम लोगों ने खाना जो खाना है, तो इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? नहीं भाभी ये तो चलेगा। आप तो रिश्तेदारों जैसी बातें ना करें ना, अगर हमें जरूरत होगी तो हम खुद ही मंगवा लेंगे रूम सर्विस। देखो तुम लोग कुछ मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा तकल्लुफात में पड़ गए, मुझे तो भूख लगी है भाई कुछ होगा। ये उल्टा बात, रूम सर्विस को बुलाओ। जी रिसेप्शन रूम सर्विस मिसेस समीना के कमरे में। बेहतर है जी। सर चाय या कोल्ड ड्रिंक? बेहतर जी। मुराद जी सर। यस सर। 11 नंबर में रूम सर्विस, चाय और कोल्ड ड्रिंक। ओके सर। टिप टिप कर बड़ा तेज हो गया अभी। सर इस दफा तो बहुत जोड़े गेस्ट हाउस में आ गए जी। हाँ भाई वो दरअसल ये सेमिनार शुरू होने वाला है ना, उसका हंगामा है ना। हाँ। सर जी आपने वादा किया था जी, जिनको मुरादे ने डबल बुकिंग दे दी थी उनको आपने कंपनी सेक्शन करना है। क्या क्या मतलब? हाँ जी वो जिस कस्टमर को हमसे तकलीफ पहुंचे जी उसको कंपनी सेक्शन करना है, उसको सहूलत बाम पहुंचानी है जी। आए कंपनी सेक्शन नहीं होता, कंपेंसेशन होता है। अच्छा कंपेंसेशन। हाँ। जब आपको मेरी अंग्रेजी की समझ आ जाती है उसको खराब करके आप दोबारा क्यों चुराते हैं? हाँ भाई ये तो ठीक कह रहे रैम्बो है जी। हाँ, मेरा मतलब है कि जिन लोगों की डबल बुकिंग कराई गई है ना उनको कोई ना कोई कॉम्पेंसेशन तो होना चाहिए। ये तो है जी। बस जी मेरा नाम मुराद है जी, TIP। ये VIP का मुजक्कर है क्या? नहीं जी, VIP अमीरों के लिए होता है और TIP हम जैसे गरीबों के लिए जी। इससे ज्यादा भी इंग्लिश आती है या बस यही तक? नहीं जी इससे ज्यादा हमने सीखने की कोशिश ही नहीं की, वैसे भी TIP से गुजारा हो जाता है जी। सर इतनी अंग्रेजी तो तुम्हें भी आती है, दे दो ना इसे टिप। नहीं भाभी
इस वक्त आप हमारे कमरे में, जब हम आपके कमरे में आएंगे तो ये शौक भी पूरा कर लीजिएगा। मैं एक बात बताऊं जी, आप दोनों जोड़े ना जी TIP जमा करते रहे, जब खजाना जमा हो जाएगा आप गेस्ट छोड़ के जा रहे होंगे, सारा खजाना एक दफा मुझे दे दे। वंडरफुल, इट्स डन 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 जी। मेरा ख्याल में अब हम लोग चलते हैं बाहर जरा, क्या ख्याल है? इन जरा खवातीन को भी अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका दिया जाए ना, हमारी बात खोई है जरा, जीप भर के कर लेंगे अभी। फिर मैं तो कब से पर तौले बैठा हूँ, तुम्हें उनमें हराम नहीं ले रहे हो। हिल गए जनाब। मगर आप लोग जाओगे कहाँ? भाई इत्तफाक से अगर हमारी शादी की सालगिरह एक ही दिन आ रही है तो शॉपिंग हो जाए। ये सही है। देखो पीछे तुम सबकी बथोइयां कर लेना, लेकिन खबरदार जो मेरी माँ की बथोइयां की। तौबा है, अगर मुझे पता होता ना कि इस कदर सब खामिन से मेरी शादी होगी तो मैं कभी भी तुमसे शादी ना करती। अच्छा आप जाओ, खुदा हाफिज़। अब तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा खुदा हाफिज़। बहुत लाची हो, खुदा हाफिज़। मेरी खूब बेटी को है। तारा बेटी जी अभी आई है। अजीब रिश्तेदार है, भूलते भी नहीं। जी अम्मी जान, बैठो बेटा, बैठो जी। बेटी तारा जी, मैं सोचता हूँ कि आज तुम्हारी शादी को कितने साल गुजर गए जी। अजीब सी बात है कि तुम्हारे एक दूर के चचा हैं, उनका आज ये खत आया, वो अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, लेकिन हमें इसलिए नहीं बुला रहे कि हमने उन्हें नहीं बुलाया था। बाबू वाह, की ना हो तो ऐसा हो कि ऊंट भी शर्मा जाए। ये तुम कह रही हो? कहती तो ठीक ही हो, मैं कीने के हिसाब से रिश्तेदार ऊंट ही होते हैं। अबू जी हाँ, ये बाकी रिश्तेदारों को भी आपने बुलाया ही क्यों था? क्या जरूरत इतने ढेर सारे अखराजात करने की? इसका जवाब तुम दोगी? बेटा माँ बाप को औलाद की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा होती है, और इस खुशी के मौके पे अगर अजीज रिश्तेदारों को न बुलाया जाए तो फिर आखिर ये अजीज रिश्तेदार और किस दिन के लिए होते? लेकिन अम्मी जी मुझे ना ये रिश्तेदारी से ज्यादा नामो नमूद का चक्कर दिखाई देता है। बेटा जब तुम अपनी औलाद को ब्याहोगी ना, जब पूछूंगी। अम्मी जी अब जाओ, तुम जाकर चाय वाय का बंदोबस्त करो, जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। और वो तुम्हारी नंदे भी तो थी ना? एक नंद है, छोटी है, बहुत अच्छी है वो, ज्यादातर बाहर ही रही है इसीलिए वहाँ के असरात ज्यादा हैं। तू सुना, तेरी तो 5 नंदे हैं। हाँ है तो 5, लेकिन 50 के बराबर है। क्या मतलब? मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ यार, वो चाय लेकर नहीं आया। जी मैडम चाय। लुक डैड, मुझे परवीन भाभी बहुत अच्छी लगती है। अरे बेटे अच्छी तो मुझे भी वो बहुत लगती है, लेकिन असूल की बात है, मजहर ने अगर मुझे कॉन्फिडेंस में लिया होता तो शायद मैं उसकी माँ को मना लेता, लेकिन उस कमबख्त ने तो किसी की भी एक नहीं सुनी। ओहो ये क्या बाप बेटी में माँ के खिलाफ साजिशें हो रही है? ओ माम, भला हम आपके खिलाफ क्यों साजिशें करने लगे? अरे नहीं बेटी, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ यस मॉम, जैसे शेक्सपियर ने कहा है, मैनी अ सीरियस थिंग्स कैन बी सैड इन जोक्स। ओ नो माय चाइल्ड, मैं वाकई मजाक कर रही थी। हाँ जैसे मजाक मजाक में ही तो आपने भैया को घर से बाहर निकाल दिया। नोशी नोशी, बेटे माँ से ऐसी बातें नहीं करते, खास तौर पर ऐसी माँ से। पर डैड मैं भैया को बहुत मिस करती हूँ, मुझे भाभी बहुत याद आती है। हाँ क्यों नहीं, ना घर का पता ना घाट का, ना पैसा नहीं ना भेला, और ऊपर से शादी की हम लोगों के खानदान से। ममा अगर वो कुछ नहीं लाई तो उसने हमसे भी कुछ नहीं लिया, रही खानदान की बात तो खानदान अब भैया के हवाले से ही चलेगा। ओफो भाई ये बहस कब तक इस घर में होगी? बट इट इज वर्थ दैट मेनी टाइम, भैया ने शादी कर ली खुद, अब उनकी अपनी जिंदगी है, जो होना था वो हो गया, अब उन्हें मिलने में हमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, अगर वो उसको छोड़कर हमारी मर्जी से शादी करेगा। मामा अगर इसी तरह कोई सास आपकी बेटी के बारे में कह रही हो तो? देखें जी अपनी बेटी को समझा लें, दिस इज द लास्ट टाइम, इसके बाद मैं इसके मुंह से उन दोनों के लिए किसी एक की वकालत भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे मालूम है मामा कि मेरी वकालत के लिए सही अदालत नहीं है। जी दुशीन साहब, कैसे याद सुनाया आपने? वो बात दरअसल ये है कि उस रोज हम लोगों से ज्यादती हो गई थी, तो हम चाह रहे थे कि आपको कुछ कॉम्पेंसेट कर दे। वो कैसे जनाब?
वो ऐसे कि मैंने सुना है कि आप लोग मरी जा रहे हैं अपनी शादी की सालगिरह के सिलसिले में। जी जी बिल्कुल। तो फिर आप लोग हमारे साथ जा रहे हैं क्योंकि हमारा भी मरी जाने का प्रोग्राम है, जो मेरी बर्थडे है ना, और आपको पता है वहाँ गेस्ट हाउस की तरह से ठहरने का बेहतरीन इंतजाम। शमीम साहब ये कौन बैठी है, बेसिकली हम तो अपनी अपनी बीवियों के गुलाम है, इनसे पूछ ले। जी हाँ है तो ये गुलाम, लेकिन बादशाह भी इन पर रश करते हैं, और जो मेरे वाले गुलाम है ना, इनके माथे पर जरा सी शिकन आ जाए मेरी तो टांगे कांपने लगती हैं। जनाब जनाब आप यहाँ अपना फैसला सुनाइए, ये खूबियां वहाँ जाकर भी बयान हो सकती हैं भाई। क्यों समीना? अरे मेरी बात सुने आप एक दफा, मतलब सिर्फ एक दफा हाँ तो कहे ना, उसके बाद देखिए कि आप बार 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 इस गेस्ट हाउस में आती रहेंगी। चलिए हमने आपकी बात मान ली, अब अल्लाह करे हम बार बार आपके गेस्ट हाउस में आते रहे। मान गए सर जी, सर जी इस खुशी के मौके पे एक नारा लगा लो जी। ओए कोई इनकलाबी तो नहीं है? नहीं नहीं सादा है जी। और देखो एक गेस्ट हाउस सील ना करवा दे। नहीं नहीं इस किस्म का नहीं है ना जी। लगा नारा याहू। शमीम साहब की पहली सालगिरह है, एक मोमबत्ती लगाई है। और जितनी भी सालगिरह है ना, अगर सारी मोमबत्तियां लगी तो केक पे जगह नहीं बचेगी। बेगम साहिबा के बगैर पहली साल शमीम साहब चलो हाँ जी करे जी। सर ये इस प्लेट में डाले। लो जी प्लेट पहले इधर देना सर, ये लोग हाथ खोलो आ गए। ये मेरी बात सुने इधर आना। घोंसले देखते हो फसी? हर घोंसले में परिंदों का एक जोड़ा आबाद होता है, और जब बच्चे पल जाते हैं ना तो अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं। यही तो फर्क होता है परिंदों और इंसानों में समीना। शादी के बाद इंसान माँ बाप को किसी गंदे नाले या गटर में तो नहीं फेंक सकता ना। परिंदों के घोंसलों में कमरे नहीं होते ना जी। डैन 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 यार तुम लोग चलो यहाँ से। दूसरों को देखते हैं आज तुम खिलाफ मामूल चहक नहीं रहे, तो तुम हुक्म करो अभी शुरू कर देते हैं। तुम्हें माँ बाप तो याद नहीं आ रहे? वो तो याद आ ही रहे हैं, तुम्हें भी तो तुम्हारे माँ बाप याद आ रहे होंगे ना। असल में लड़कियों को अपने माँ बाप याद आएंगे तो क्या, उन्होंने तो उन्हें हर हाल में छोड़ना ही होता है। बात तो तुम्हारी है, तो फिर जो तुमने हमारे लिए किया सो हमने तुम्हारे लिए कर दिया। इस साहब
धम बराबर इधर भी जुमले साहब के ही चल रहे साहब तो जा गए थे इधर गेस्ट हाउस में बराबर हो गया जी इधर हम पिकनिक मनाने आए हैं आप यहाँ हिसाब किताब कर रहे हैं चले मैं नहीं चले 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आप मिस्टर शमीम हैं? जी नहीं, मैं उनका कजन खालिद हूँ। फरमाइए। इस सेमिनार के सिलसिले में हमारी यहाँ बुकिंग हो चुकी है। आपका नाम? मिसेस खलील। जी मैं अभी देखता हूँ, लिस्ट में आप दोनों के नाम मौजूद हैं। मैं आपको चाबी देता हूँ। आप 15 नंबर कमरे में तशरीफ लेंगे? फिर कोई बात नहीं। सर जी मेरे पीछे पीछे दौड़े जी, जागरण करते हैं जी। सर जी आराम से, जरा स्लिप ना हो जाए। हाँ तो तेरी 5 नंदे हैं जो 50 के बराबर है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, एक नंद सो घर का गंद, मत कर शादी वहाँ पर। मगर तू नहीं मानी, कहने लगी एक तो पढ़ी लिखी है, दूसरी उम्र में बड़ी है, माओ की जैसी है। अरे नंदे तो मेरी सब पढ़ी लिखी है, लेकिन नंदे तो नंदे ही होती है। जब वो नंदे बनती है ना तो पढ़ाई लिखाई सब माइनस हो जाती है। लेकिन तेरी शादी तो नंदों की मर्जी के मुताबिक ही हुई थी ना। मर्जी के मुताबिक क्या, उन्होंने खुद मुझे पसंद किया था और फिर ये हाल है। ये है अरेंज मैरिज यार, देख लो। कहती है भाई मिले मैं ना मिलूं। अरे इस तारा ने तो मेरी शादी के फौरन बाद ही घर की नौकरानी माई अल्लाह रखी को छुट्टी करवा दी। आप भी सेमिनार के सिलसिले में आए? जी हाँ। आपका नाम? अब्दुल गनी काजी। जी आपका कमरा नंबर 20 है। बहुत बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं। सर जी दूर दूर तक भाभियों का नामो निशान ही नहीं है। आ जा सकते वो लोग, काफी दूर कर दिया तूने वैसे। ओए वो आ रही है, मैंने दूरबीन से देखा। आइए आइए सर, अब वो होना चाहिए गाना और डांस। जी बिल्कुल, रैंबो तुम डांस करो। सर सारा दिन ये गाता रहता है, वो वाला जो गाना है रैंबो माई वाला जो गाना है। नहीं यार कुछ नहीं, कोई और गाना। आप ही बजाना ताली। चलो जी मैं अच्छा डांस करूंगा। और ये जंगली डांस करवाना था ये वाला नहीं। अच्छा मुझे वो भी आता है, मुझे वो ब्रेक डांस भी आता है। ये बंगा होता है वो वाला वो। अच्छा अच्छा वो 1 2 3 4। जी जी शमीम साहब तो मरी गए जी, शाम तक आएंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। थक गया जी, कितना खेले हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बड़ी देर कर दी सर आपने। हाँ भाई देर हो गई। अच्छा नवीद जी सर। हाँ भाई अपनी ड्यूटी संभालो। हाँ सर मैं जरा यूनिफॉर्म। हाँ ठीक है सर, मैं हूँ ना जी। ठीक है, कोई मसला नहीं जी। एक मिनट सर, आपके कुछ मेहमान कमरे में आए हुए हैं, मैंने उन्हें आपके कमरे में भेज दिया। मेरे मेहमान जी? आप फसी साहब और मिसिस समीना है ना? जी बिल्कुल।
इसका मतलब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, आप कमरे में चले, मैं आ रहा हूँ जी। चले देखते, प्लीज प्लीज चले जी। सर जी मैं भी थक गया हूँ, अभी थोड़ा सा आराम करता हूँ और मेरा सर काम सुना लेने आता हूँ। अरे तुम लोग यहाँ? हाँ, हम लोगों ने सोचा हमारा भाई हमारे लिए उदास ना हो गया हो, इसलिए हम दोनों चले हैं। हमने सोचा था कुछ वक्त हम अकेले गुजारेंगे। और वो जो माँ बाप पीछे अकेले रह गए उनका भी कुछ पता है तुम्हें? उनका ख्याल आप भी रख सकती थी। तो ये किस लिए ब्याही है? ये उनकी खिदमत नहीं कर सकती, हमारी खिदमत नहीं कर सकती। देखो ये शादी मैंने तुम लोगों की मर्जी के साथ की थी, लेकिन अब तुम लोग इसके इतना खिलाफ क्यों हो गए? देखा देखा, जादू कर दिया इसने तुम पर। ये तुम पढ़ी लिखी औरतों का हाल है। और वो जो हमारे खाला के बेटों की बीवियां है ना, पांव धोती है हमारे, गांव तक ही हमारे पीछे रखती हैं। और एक ये है हमारे सके भाई की बीवी, आई हाई देखो तो इसको, यहाँ गेस्ट हाउस में बैठी है और माँ बाप का कुछ पता ही नहीं है इसे। देखो तुम तो इस वक्त मैं अकेला छोड़ दो, हम घर आकर ये मसाइल सुलझाएंगे, ये जगह नहीं है हम ऐसी बातें करने की। हाँ हाँ अच्छी, तो बस तुम्हें ये लगती है ना, मैं पूछती हूँ फंसी, हम तुम्हारी कुछ नहीं लगती? लगती हो बाबा लगती हो, लेकिन फिलहाल हमें अकेला छोड़ दो प्लीज। फिलहाल तुम्हें अकेला छोड़ दें, और अगर कल को तुम्हारी ये मन चाहिए थी तुम्हें कहे ना कि अलग हो जाओ, तो तुम माँ बाप को अकेले छोड़ देना। मंजर ऐसा करो कि तुम एक बार फिर अपने माँ बाप से मिलो और फिर कोशिश करो कि वो इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि हमने शादी कर ली है और ये हमारा जिंदगी भर का फैसला है। चलो मैं तो हजार मरतबा जाने के लिए तैयार हूँ, बट माइंड दिस थिंग कि वो मेरे माँ बाप हैं और मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ये बात नहीं मानेंगे। तुम मुझे बात करने देना, खुद खामोश रहना। चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। आओ 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 भाई कमीर आ जाओ, लो यहाँ आ ही गए हम, तुमसे मिलने वाले को सलामत कैसी होगी वो? तो फिर आज रास्ता भूल गए? हाँ तुम इसे भूल कहते हो तो बहुत बार भूल होगी हमसे। हाँ बैठो बैठो। नहीं तुम बैठो पहले। अच्छा ये बचपना भी नहीं गया। अरे आप नौशी बेटा कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। और सुनाओ भाई कबीर कैसे आना हुआ? यार मुमताज आए इसलिए हैं कि जरा दिल का बोझ उतार लिया जाए और हमारे दिल पर डाल दिया जाए। नहीं ऐसी बात है किस दिन? देखो तुम तो हमारे दोस्त हो। हाँ हाँ भाई तुमसे तो बात की जा सकती है ना, और अगर यही बात हम किसी अजीज या रिश्तेदार से करें तो तुम तो जानते ही हो कि शर्मिंदगी होगी। हाँ ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब, अजीज रिश्तेदारों से तो इस तरह की बात की तवक्को ही नहीं की जा सकती। भाई अगर अच्छी बात हो तो हसद, और अगर बुरी बात हो तो पल्ले से बांध देते हैं। ओ बेगम भाई वो आए हैं हमारे घर, उन्हें कुछ बात करने दो। जी मुझसे ज्यादा तो आप बोल रहे हैं। अच्छा चलो चलो मैं चुप हूँ। अच्छा भाई सफिया तुम जो कुछ कहना है। मुमताज भाई बेटे की शादी हमने अपनी पसंद से की थी, बहनों ने पसंद किया था दुल्हन को, और अब वो चाहती हैं कि दुल्हन अपने खानून के बजाय उनकी कंघी पट्टी करती रहे। अच्छा होता बेटा अपनी मर्जी से शादी करता, घर में सुख तो होता। चले घर में सुख ना होता मियां बीवी तो सुखी होते। आंटी यही बात तो मैं मामा से कह रही थी। हाँ इस जमाने में औलाद ही माँ बाप को समझाएगी, हमारा वक्त तो कट चुका है, असल में तो ये औलाद का वक्त है। औलाद का वक्त है। चलो भाई अब औलाद का वक्त है, हम तो गए सब काम से है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ भाई साहब। अच्छा वो जो सर जी वो शुरू हो गए जी, वो सेमिनार जी। हाँ। सर जी उसमें प्रोफेसर साहब ने कमाल की बातें की हैं जी। सर जी उन्होंने कहा है कि माँ बाप ने औलाद को पाला, उसकी परवरिश की, उसको पाला पोसा, तो क्या माँ बाप का इतना हक नहीं है कि वो अपने बच्चों की जिंदगी का फैसला अपनी मर्जी से कर सके? तालियां। अस्सलाम वालेकुम। आइए जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब हमने शादी के लिए आपके गेस्ट हाउस में बंदोबस्त किया था, मेरा नाम जफर आलम है।
جی بالکل کیا تھا آپ کا تمام بندوبست ہو چکا ہے بلکہ وہ آپ کے مولوی صاحب بھی تشریف لے ہیں اور تو اور وہ مولوی صاحب میرا نکاح پڑھانے پر تلے بیٹھے جناب اس کے لیے ہم نے اپنے بیٹے کا بندوبست کیا اچھا آپ کا نہیں اچھا سر جی آپ ہم سب کو ہی اپنا بیٹا سمجھیں جی اوئے کبھی ہماری بارے بھی آنے دیا کریں نہیں دوسری شادی کرے گا تو اچھا میں تو سر یہ شادی ماں باپ کی مرضی سے ہو رہی ہے یا دلہا دلہن کی مرضی سے جی نہیں یہ ہماری پسند ہے اور دلہن بھی ایسی کہ اپنی مثال آپ ہے کیا بات ہے آپ ساس ہو کے ایسی باتیں کرتی ہیں کیوں دنیا میں ساس کا صرف ایک ہی تصور ہے کہ وہ بہت بری ہوتی ہے ہم پڑھی لکھی خواتین اور کچھ نہیں تو کم سے کم یہ مثال تو قائم کر سکتی ہیں میڈم صاحب آپ کی ساری باتیں سن کے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ساس بن جاؤں حسن نے اسے دیکھا پسند کیا اور شادی کر لی تو سمجھتی ہے کہ مذر کے ماں باپ بیکار سی چیزیں ہیں جس کا حق شادی کے بعد ختم ہو گیا ہے ارے بیگم تم ایسا کیوں سوچتی ہو اپنی پسند سے شادی کرنے والی لڑکیاں ایسا ہی سوچا کرتی ہیں لڑکا قابو میں کر کے سمجھتی ہیں کہ لڑکے پر اس کے ماں باپ بہن بھائیوں کا حق شادی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے کوئی ایک سوئچ ہے جسے آف کر دیا ہے دیکھو بیگم ہو سکتا ہے یہ تمہارا تعصب ہو تم انہیں ایک موقع دیکھو تو دیکھو فی الحال میں غصے میں ہوں اس سے کوئی بات آپ مت کیجیے میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے پلیز اچھا بابا دیکھو یہ شادی میں نے تم لوگوں کی مرضی کے ساتھ کی تھی اب یہ میری شادی ہے یہ میری اپنی زندگی ہے اسے میں اپنی مرضی سے بسر کروں گا اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہے تو میری بیوی سے بھی محبت کرنا پڑے گی ورنہ تم لوگ اپنے گھر میں خوش اور ہم اپنے گھر میں چلیں جی سیمینار چلیں چلیں تیار ہو گئی میرے ماں باپ سے جنگ کرنے کے لیے ماں باپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں جی محبت کرنے کے لیے لیکن اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں جنگ کرنا پڑے گی یہی تو فرق ہے آپ کے اور میرے نقطۂ نظر میں محبت کو جنگ کر کے نہیں محبت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے فلسفہ یس میڈم آئی لائک اٹ اف یو آر ریڈی تو آپ کا شوفر بھی تیار ہے سر ویسے سیمینار میں بڑے بڑے لوگ سیمینار کا فائدہ تو بڑا ہوا ہے گیسٹ ہاؤس سر جی اندر جو سیمینار ہو رہا ہے نا جی اس میں اکبر حاصل صاحب نے زبردست قسم کا مضمون پڑھا ہے اچھا کیا کہتے ہیں سر جی وہ کہتے ہیں مائی نام از پروفیسر ایس اے ہاشمی اچھا میرا مسالہ یہ ہے کہ مسالہ نہیں مقالہ کہا ہوگا مولوی صاحب آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کیا پتا ہے انہوں نے کیا کہا ہے سر جی میں سناؤں جی ہاں جی وہ کہتے ہیں جی میرا مقالہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ میاں اور بیوی نے گزارنی ہے اس لیے اس کا فیصلہ کرنے کا حق اور پسند ناپسند کرنے کا حق بھی میاں اور بیوی کو ہونا چاہیے تاڑیاں سر جی یہ سننے کی دیر تھی میں جذباتی ہوا میرا بھی دل کرتا ہے جی کہ میں بڑا سارا مضمون لکھوں تو لکھو کس نے روکا ہے پر سر ایک چھوٹی سی پرابلم ہے جی وہ کیا سر وہ میری الف بے جو ہے نا وہ ذرا کمزور ہے ورنہ سر میں لوگوں کو بتا دیتا کہ مائی نام از رمبو رمبو پروفیسر جان رمبو میں نے اپنی زندگی اپنی جیرا کے ساتھ اپنی مرضی سے گزار دینی ہے بہت اچھے بھائی اور ماں باپ کا کیا کرو گے وہ تو ماں باپ کی خدمت کرنا تو اولین فرض ہے نا وہ میں اپنی بہن سے کہوں گا کہ وہ جو گھر کا کام ہے نا وہ میرے بجائے اپنے خامن سے کرائے گھر کا سودا صرف سارا وہ لے کے آئے اور اس کو اپنے ساتھ رکھے ٹھیک ہے لیکن سیمینار میں فیصلہ کیا ہوا کہ شادی ماں باپ کی پسند سے ہونی چاہیے یا اپنی پسند سے او ہو سر جی سیمینار کوئی عدالت تو نہیں ہے نا جی جو فیصلہ دیتی پھر بھی سر جی وہ کہتے ہیں جی کہ شادی ماں باپ کی مرضی سے ہونی چاہیے یا لڑکی اور لڑکے کی اس کا جو فیصلہ ہے نا جی وہ ہم لوگوں پر چھوڑتے ہیں